नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे बेलहर विधानसभा क्षेत्र की। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले लिया है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे बेलहर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। बेलहर विधानसभा क्षेत्र बांका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बेलहर विधानसभा में जदयू और राजद के बीच में मुकाबला है। जदयू ने जहां एक तरफ मनोज यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं दूसरी तरफ राजद ने रामदेव यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। बेलहर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे राजनीतिक घमासान के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं बेलहर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास के बारे में। तो आइए हम जानते हैं साल 2015 विधानसभा क्षेत्र के बारे में। साल 2015 के चुनावी परिणाम को देखें तो इस साल यहां जदयू और भाजपा के बीच आमना सामना रहा था। भाजपा से मनोज यादव उम्मीदवार थे, तो वहीं जदयू से गिरिधारी यादव। इस चुनावी दंगल में बाजी गिरिधारी यादव ने मारी थी। वे कुल 70,266 वोट से जीत दर्ज की थी। वहीं मनोज यादव ने 54,092 वोट हासिल किए थे। साल 2010 के चुनावी परिणाम की तरफ रुख करें तो इस साल भी जदयू से गिरिधारी यादव ही विधायक चुने गए थे। वहीं टक्कर में राजद से रामदेव यादव रहे थे। साल 2005 के फरवरी में रामदेव यादव विधायक चुने गए थे, लेकिन अक्टूबर महीने में हुए चुनाव में उनके हाथ से विधायक की कुर्सी फिसल गई और एक बार फिर से यह जदयू के खाते में गई। जदयू से जनार्दन मांझी विधायक हुए। साल 1995 और 2000 के चुनावी साल में राजद का दबदबा इस सीट पर रहा। दोनों चुनावी साल में रामदेव यादव ने बाजी मारी और विधायक हुए। साल 1990 के चुनाव परिणाम की तरफ एक नजर डालें तो इस साल यहां कांग्रेस का कब्जा रहा था। कांग्रेस के टिकट से चंद्रमौलेश्वर सिंह ललन विधायक हुए थे। क्षेत्र के विकास कार्यों पर एक नजर डालें तो गांव में बिजली पहुंची है। 70 से भी अधिक गांव में सड़कों का निर्माण हुआ है। पुल पुलिया का निर्माण किया गया है, जिससे लोगों को काफी राहत हुई है। क्षेत्र के चुनावी मुद्दों पर एक नजर डालें तो यहां के लोग पूरी तरह कृषि पर आश्रित है। वहीं किसानों को सिंचाई की समस्या से जूझना पड़ता है। इसके अलावा भी अन्य आवश्यक जरूरतों की कमी बरकरार है। स्वास्थ्य का बेहतरीन इंतजाम नहीं हो सका है और वहीं यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, जिससे लोगों में आतंक है। साल 2020 में एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। पिछली बार जहां इस सीट पर जदयू और भाजपा में भिड़ंत थी, वहीं इस बार दोनों साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। एनडीए की तरफ से सीट जदयू के खाते में चली गई है, वहीं महागठबंधन से राजद ने यहां उम्मीदवार उतार दिए हैं। जदयू ने मनोज यादव को टिकट दिया है तो राजद ने रामदेव यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछले साल मनोज यादव जहां भाजपा के टिकट से चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे थे, वहीं इस बार जदयू के टिकट से हुंकार भरने की तैयारी कर रहे हैं। रामदेव यादव यहां के विधायक रह चुके हैं। वहीं देखना अब यह होगा कि क्या एक बार फिर से रामदेव यादव विधायक की कुर्सी हासिल कर पाते हैं या फिर मनोज यादव का खाता खुलता है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।